हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने लौकी की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि ठंडियों का मौसम चल रहा है तो नई नई चीज़ें खाने का मन भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए सामने आज लेके आई हूँ लौकी की खीर, जिसके लिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। इस लौकी आइए बनाते हैं फिर लौकी का खीर, जिसके लिए मैंने लिया है लौकी कद्दूकस करके और मलाई वाला दूध। आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मलाई वाला दूध का इस्तेमाल किया है। चीनी स्वादानुसार आपको मीठा जैसे पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स कटी हुई और चार पांच छोटी इलायची। अब इसके आगे की हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को घी में फ्राई करेंगे हल्का। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे लौकी। फिर इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। इसको 5 मिनट तक ही भूनना है, हल्का ब्राउन हो जाए, पानी इसका खत्म हो जाए। हो गया 5 मिनट तक इसको बराबर भूनते रहेंगे। हाई फ्लेम पे करके गैस को इसके बराबर से भूनना है, जिससे इसका रंग हल्का ब्राउन में हो जाए। 5 मिनट हो गया है हमको इसको चलाते हुए। देखिए इसका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मलाई के दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप दूध इसमें खोआ भी डाल सकते हैं बन जाने पे, मैंने केवल मलाई के दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे अपनी इच्छानुसार, हल्का मीठा या ज़्यादा। हम लोगों को हल्का मीठा पसंद है, इसलिए हम कम चीनी का ही ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिलाकर इसे अब हम 5 मिनट तक ढककर रख देंगे, जिससे ये पूरी तरह ऐड हो जाए। एकदम धीमी आंच पे करके 5 मिनट के लिए अब हम इसको ढक देंगे। पाँच मिनट हो चुका है, अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से ऐड हो चुका है दूध और लौकी। कितने कम समय में ये तैयार हो जाता है, देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने लौकी की खीर को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके आगे की डिशेस में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर
इलायची पाउडर डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है इसमें, और जो हमने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको भी ऐड करेंगे। देखिए गाइस, 5 मिनट में मैंने इसको अच्छी तरह से लौकी का खीर तैयार कर लिया है, जिसमें कि नूड समय भी कम लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी और फ़ायदेमंद हो। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।